इस समय मेरे साथ मेरे सहयोगी खुशविंदर सिंह धालीवाल जी मौजूद हैं। बात करते हैं खुशविंदर सिंह धालीवाल से और जानते हैं सारे प्रकरण के बारे में, इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं। खुशविंदर जी कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। आज अभी अभी एक प्रकरण हुआ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर, जो मंडी की नवनिर्वाचित सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री हैं कंगना रनौत, उनको CSFI की जो CSF की जो जवान है उसने उनके साथ बदसलूकी की, सुनने में आया कि उनको एक थप्पड़ मारा गया, तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि इस सब चीज़ों के पीछे कारण क्या है? राजेंद्र जी, जैसा अभी आपने कहा कि मानव जीवन में तनाव जो है वो काफ़ी हावी हो रहा है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। लेकिन इस केस में जो वो महिला जवान है CISF की, कुलविंदर कौर, तो इसके ऊपर आप तनाव नहीं कह सकते, क्योंकि समाज के हर वर्ग में, हर कम्युनिटी में कुछ ऐसे जुनूनी होते हैं जो अपनी वर्ग के ऊपर, अपने समाज के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर या अपनी जाति के ऊपर की गई किसी टिप्पणी को पर्सनल तौर पे ले लेते हैं, और ये बड़ी आम सी बात है। हमारे में भी कई बार ऐसा हो जाता है, आपने भी देखा होगा कि हम स्टाफ में भी बात करते करते कोई एक छोटा सा यूनिवर्सल एग्जाम्पल दिया जाता है, तो मैं, आप या हमारा कोई और सहयोगी, हमारी जो अगर चार मित्र मंडली बैठी है तो उसमें से भी कोई ना कोई उस चीज़ को पर्सनल ले लेता है। लेकिन एक सैन्यकर्मी जो पैरामिलिट्री, सबसे बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और जैसा कि उस घटना के बाद दिल्ली पहुंचकर कंगना रनौत का जो बयान आया है कि ये पंजाब में उग्रवाद की शुरुआत होने जा रही है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को जोड़ता है। उसका कहना है कि वो जो किसान मूवमेंट हुई है, पीछे जो किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में कंगना रनौत जो थी उसके कुछ विचार मुखर थे, कहीं ना कहीं वो उनके खिलाफ बोली है, तो उस, वो एक किसान परिवार की बेटी है और तो इस वजह से उसने ये सब किया, और उसके मन में एक कंगना के प्रति रोष था, कंगना के प्रति गुस्सा था, उसने अपने गुस्से का इजहार किया है। वो देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करूँ आपसे, जब कभी भी कोई पब्लिक फिगर कोई बयान देती है तो वो यूनिवर्सल होता है, जो यूनिवर्सल एग्जाम्पल होता है। अब जैसे कि कंगना रनौत ने जो बयान दिया था कि ये 300-300 रुपये दिहाड़ी पे आने वाली महिलाएं हैं, हो सकता है उनमें से कुछ हो भी, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादातर वो किसान परिवारों की ही जो महिलाएं थी वो उस धरने में जाकर पार्टिसिपेट कर रही थी। उस चीज़ मेरे ख्याल में उसी बयान के साथ साथ कंगना रनौत ने एक लाइन और जोड़ी थी कि ये जो किसान हैं इनमें से ज़्यादातर खालिस्तानी समर्थक हैं, जो विदेश से आई हुई एंड को बड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ पे जी हुई थी, बिल्कुल। तो उसमें सच्चाई क्या थी क्या नहीं थी ये एक अलग बात है, लेकिन पंजाब में इस चीज को लेकर बहुत गुस्सा था, क्योंकि खालिस्तानी शब्द एक पंजाब में रहने वाले व्यक्ति के लिए एक गाली की तरह है, खास करके वो सिख वर्ग के। अब दूसरी बात करते हैं, आपने कहा कि वो किसान परिवार से है, हो सकता है वो किसान परिवार से ना भी हो, क्योंकि जो पंजाब में रहने वाला व्यक्ति कोई भी है, चाहे जो खास करके वो सिख परिवार से है, उसको सच्चाई पता हो चाहे ना हो, चाहे उसने वो जो जिनको ये काले बिल बोलते हैं किसानी के, वो पड़े हों या ना पड़े हों, वो मोदी को पंजाब विरोधी मानता है। हाँ, क्योंकि किसान आंदोलन जो हुआ है उसमें लगभग पंजाब का जो है, पंजाब के किसान की बात करूं या पंजाबी भाईचारे की बात करूं या मैं सिख वर्ग की बात करूं, तो उसने बहुत बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया और कहीं ना कहीं उसने भारतीय जनता पार्टी को या मोदी को अपना दुश्मन ही माना है। जी, तो चलो ठीक है, दुश्मन मानना ना मानना ये आप, हमें हर इंसान की अपनी जो बौद्धिक स्तर है उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन एक सुरक्षाकर्मी द्वारा ऐसा व्यवहार करना किसी के साथ भी, ये तो चलो एक सांसद है जो एक मतलब हमारे सरकार का एक हिस्सा है उसके ऊपर, ये तो बहुत बड़ी बात है सर सुरक्षाकर्मी का, क्योंकि ऐसा प्रकरण ऑलरेडी पहले भी हिंदुस्तान में दोहराया जा चुका है। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ भी उनके सुरक्षाकर्मी द्वारा ही जो घटना घटी थी, उनका जो कत्ल कर दिया गया था। नहीं, इस केस में थोड़ा सा एक फ़र्क है
कि ये उनकी निजी सुरक्षाकर्मी नहीं है, ये CISF की सुरक्षाकर्मी है जो एयरपोर्ट पे उसकी तलाशी के दौरान ये सारी घटना हुई है। राजेंद्र जी, बात निजी या सार्वजनिक वाली बात नहीं है, बात समझने वाली बात है कि वो एक सुरक्षाकर्मी है। अगर उस वक्त अगर उस तलाशी के दौरान, उस सिक्योरिटी चेक के दौरान उसके पास अगर पिस्टल होती तब हाँ, अपने आप में ये बहुत बड़ी घटना है, छोटी घटना नहीं है। देखिए, जब तक तो एक बॉलीवुड एक्टर है तो एक बहुत बड़ी पब्लिक फिगर है, उसके बाद अब तो वो एक सांसद है और एक जिम्मेवार, भारत की जिम्मेवार नागरिक हो गई। सांसद होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, उसकी जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी की बात है, वो कहीं ना कहीं एजेंसी पे आ जाती है। राजेंद्र जी, उससे भी बड़ी बात है के बलवान व्यक्ति को या किसी भी असला धारक व्यक्ति को अपने ऊपर संयम रखने की बात। हाँ, सबसे बड़ी बात, अपने आपके पर्सनल विचार जो भी हो, मुद्दा ये नहीं है कि वो एक बॉलीवुड की जो है, बॉलीवुड की वो स्टार है या सांसद है, पॉइंट ये है कि उसकी जगह कोई आम आदमी भी हो सकता है, तो थोड़ी सी बहस होती है कि क्या सुरक्षा कर्मी उसको थप्पड़ मार देगा। हाँ, ये अपने में बहुत बड़ा मसला है और ये विचार करने वाला मसला है। इस चीज को हम सर मानवीय तनाव के ऊपर नहीं डाल सकते, ये कहीं ना कहीं जो समाज में गलत। तो आपको लगता है कि सोची समझी साजिश के तहत हुआ? नहीं, ये साजिश नहीं है, ये बिल्कुल भी कोई सोची समझी साजिश नहीं है। वो बाय चांस लड़की की उसकी ड्यूटी थी यहाँ पर, सोची समझी साजिश हम तब बोल सकते थे कि वो छुट्टी लेकर मंडी पहुंचती या बॉम्बे पहुंचती और तब कंगना रावत के ऊपर हमला करती। पर अपने आप में ये घटना कोई बहुत अच्छी घटना नहीं है, ये कहीं ना कहीं, देखिए आज के डेट में सोशल मीडिया का युग है, तो ये सारी दुनिया में खबर जाती है, मीडिया बहुत हावी है, सारी दुनिया में खबर जाती है, तो कहीं ना कहीं ये खबर कोई बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं देती है। अच्छा इंप्रेशन नहीं देती मेरे हिसाब से, ये घटना जो है निंदनीय है, शर्मनाक है, क्योंकि हर इंसान को अपने ऊपर संयम रखना चाहिए। एक जोश में, एक उम्माद में उसने जो फैसला लिया उस वक्त, तो वो उसके कैरियर को भी खत्म कर सकता है। मैं अपने दर्शकों को भी कहना चाहूंगा कि आपकी पर्सनल राइट जो भी हो, पर अपने जज्बातों पे काबू रखिए। आप अगर किसी ड्यूटी में हैं, आप अभी अगर किसी वर्दी में हैं, आप कहीं सुरक्षा एजेंसी में हैं, तो आपको अपने पर्सनल जो विचार है, आपके जो पर्सनल आपकी विचारधारा है, उसको एक तरफ रखकर सबसे पहले जो आपका फर्ज है, आपकी ड्यूटी है, आपको उसका ध्यान देना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं भारत सरकार से ये आग्रह करना चाहूँगा कि हमारी जितनी भी मिलिट्री, पैरामिलिट्री और सुरक्षा फोर्सेस हैं, उनको मैंडेटरी किया जाए कि हफ्ते में एक बार उनको ध्यान कराया जाए, योगा कराया जाए। बहुत सी क्लास, मतलब हमारे ऐसे फोर्सेस हैं, मेडिटेशन उनको करवाई जाती है, प्रॉपर सिखाई जाती है, ताकि मानसिक और ड्यूटी का तनाव जो उनके ऊपर से कम हो सके। क्योंकि ये जो इस जो महिला जवान ने जो काम किया है, वो एक उमंद में किया है, उसकी मेरे ख्याल से उसकी पर्सनल इंटेंशन ये बिल्कुल भी नहीं होगी। क्योंकि आज के युग में बेरोजगारी से हिंदुस्तान का युवा जूझ रहा है और उसकी सरकारी नौकरी है, और हर आदमी, हर युवा जो है वो प्राइवेट चाहे जितनी मर्जी बढ़िया नौकरी हो, सरकारी नौकरी की तरफ भागता है। तो मेरे हिसाब से जो भी फैसला हो उस महिला जवान के बारे में, बहुत कुछ सोच समझ कर और थोड़ा सा कंगना को भी इसके बारे में नरम दिली दिखानी चाहिए।